हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक ध्वनि ज्ञान। आज हम ये देखेंगे कि हम .NET में ASP.NET में पहला वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले फाइल मेनू में, हम करेंगे न्यू वेबसाइट, क्योंकि यहाँ हम क्रिएट करेंगे वेबसाइट। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि हम दोनों में से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाह रहे हैं, आइदर विजुअल बेसिक और शीशा। अगर हम विजुअल बेसिक क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम की जो लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो होगी विजुअल बेसिक। हम यहाँ पे विजुअल बेसिक के साथ एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आएगा ASP.NET वेबसाइट, जिसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ये लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी इमेज को क्रिएट करेंगे, अपने अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने एप्लीकेशन का नाम दे दिया है हेलो, इसे हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा है सोर्स, ये डिज़ाइन और ये स्प्लिट। डिज़ाइन वो पोर्शन होता है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ टूल बॉक्स। स्प्लिट सोर्स वो होता है जहाँ पे हम कोडिंग परफॉर्म करते हैं, और स्प्लिट होता है जहाँ हम डिज़ाइन और कोडिंग दोनों विंडो को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वेलकम टू ASP.NET, टू लर्न मोर अबाउट द ASP.NET। अगर ये सब आपको नहीं चाहिए तो आप सोर्स कोड में जाके जो कोडिंग यहाँ पहले से इनबिल्ट है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखेंगे और एक पहला ये वाला कंटेंट भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ये इनबिल्ट है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ हमारे पास एकदम ब्लैंक पेज है। यहाँ हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स लें तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आपको टूल बॉक्स कंट्रोल से मिलेगा। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। आप एंटर प्रेस करेंगे। अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास आए एक बटन, तो आप बटन कंट्रोल पे डबल क्लिक करें। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं एक लेबल, क्योंकि हम ये एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी टाइप करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो जो वैल्यू है वो लेबल पे डिस्प्ले होके आनी चाहिए। अब हम चलते हैं सोर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोर्स कोड में हमने जो तीन कंट्रोल्स लिए हैं, ये यहाँ पे विजुअलाइज हो रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स, जिसका आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 1, रन एट सर्वर, क्योंकि आप क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रन एट सर्वर। स्लैश जो है वो एंडिंग ऑफ किसी कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, लाइक एंडिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्स और एंडिंग ऑफ लेबल। बटन जो है वो क्लोज नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई इवेंट परफॉर्म हो, तो उसके लिए हमें कोई प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर का नाम हम देते हैं ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू। जहाँ पे प्रोसीजर का नाम हमने दिया सपोज शो, तो यहाँ पे आपने प्रोसीजर का नाम शो दिया है तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट रन एट सर्वर, और आप देखेंगे जब आप रन एट सर्वर लिखते हैं इसके बाद ये स्क्रिप्टिंग का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे सब और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का नाम जो हमने दिया है, दैट इज शो। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो लेबल में, यानी लेबल 1 के टेक्स्ट में वैल्यू आनी चाहिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट पे लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन कराएंगे। आप देखेंगे कि हमारे सर्वर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आप इसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउजर ओपन होगा जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन विजुअल होगा। आप देखेंगे ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये है बटन और ये है लेबल। यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे कोई भी कंटेंट टाइप किया हुआ है तो वो कंटेंट आएगा, देन आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट आपके लेबल पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप अगर उसी समय यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करते हैं, आपने लिखा अगर प्रोग्रामिंग, और अगर आप यहाँ बटन पे क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू यहाँ नीचे डिस्प्ले होके आ जाएगी। इस तरह से आप अपने ASP.NET का वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आ अगर आपको ये एप्लीकेशन और ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।